हेलो मैकेनिक भाइयों, आज मेरे पास है होंडा एक्टिवा 125 BS6 FI वाली वेरिएंट है। यहाँ पे अगर देखें तो इस जगह पे आपको थ्रोटल बॉडी बहुत सारे सेंसर के साथ इनबिल्ड देखने को मिलेगा। बट आज की इस वीडियो में आप सभी मैकेनिक भाइयों को डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने वाले हैं फ्यूल सप्लाई रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में। जी हाँ, मोस्ट पॉपुलर स्कूटर है, कभी ना कभी आपके गैराज में फ्यूल के लेकर प्रॉब्लम को पहुंच सकती है। चलिए सबसे पहले आपको एक एक स्टेप बताते हैं कि जब भी आपके पास इस तरह से BS6 के स्कूटर फ्यूल का प्रॉब्लम लेकर पहुंचती है, चाहे इंजेक्टर काम ना कर रहा हो, चाहे फ्यूल पंप काम ना कर रहा हो, या फिर आ रहा हो मिसिंग का या स्टार्टिंग का प्रॉब्लम, तो किस तरह से इस प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन निकालना है। BS6 की स्कूटर है, कंफ्यूजन हो सकता है। चलिए एक एक स्टेप बताएंगे, टेस्टिंग का और वर्किंग का कंप्लीट A to Z स्टेप बताएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो जो आएगी इसके करंट को लेकर आएगी कि कैसे इस गाड़ी में करंट वर्क करता है और कहां कहां से वायरिंग और सेंसर्स इसके करंट के रिलेटेड काम करते हैं। तो अभी जो वीडियो है इसके फ्यूल के रिलेटेड हम शूट कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पे जो क्लिप पंच है इसको हम बाहर खींच लेते हैं। तो इस क्लिप पंच को जैसे ही यहां से हम बाहर निकालेंगे तो इस वाले एरिए में आपको पंप देखने को मिलेगा। कौन सा पंप? फ्यूल पंप। यहां पे देखें, ये जो एक 10 mm के बोल्ट के मदद से यहां पे पंप टाइट है। चलिए सबसे पहले इसके डायग्राम को हम समझते हैं, उसके बाद इसको कंप्लीट डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है, ना ही वीडियो को मिस करना है, क्योंकि पूरी A to Z इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। किसी भी बाइक या स्कूटर का प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले उसके डायग्राम को समझना बहुत ही जरूरी होता है। यहाँ पे देखें 125 और 100 इतने सारे मॉडल का जो है ये वायरिंग डायग्राम है एक्टिवा सीरीज BS6 का। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं इसके फ्यूल पंप यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो वायरिंग डायग्राम में लिखा हुआ है 3P, यानी इससे ये पता चलता है 3-phase पंप इसके अंदर लगाया गया है। उसके बाद यहां पे मार्क किया गया है BL, यानी जो फ्यूल पंप के अंदर कनेक्टर लगा हुआ है वो ब्लैक कलर का लगा हुआ है। तो दो चीज आपका क्लियर हो गया, 3P यानी 3-phase इसके पंप है और यहां पे ब्लैक कलर का इसका कनेक्टर लगा हुआ है। इसके बाद जो फ्यूल के रिलेटेड आता है यहां पे इंजेक्टर, इंजेक्टर के अंदर दो वायर है, ब्लैक व्हाइट जो 12 वोल्ट की सप्लाई को भेजेगा, दूसरा पिंक ब्लू जो इंजेक्टर यहां से सिग्नल भेजेगा इस जगह पे इंजेक्टर को ECM कि कब कितना फ्यूल का छिड़काव करना है। चलिए बाइक के पास ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो देखिए डायग्राम जो वहां पे इंडिकेट करता है एक जरा सा भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देता नहीं। देखिए यहाँ पे इसके लिए बताया ब्लैक कनेक्टर, तो इसके अंदर ब्लैक कनेक्टर लगा भी है, और क्या बताया 3-phase, तो 3-phase इसके अंदर पंप भी लगा हुआ है। इसके ऊपर अभी आगे आएंगे कि पंप जब ना चले तो क्या क्या चीज चेक करना चाहिए। सबसे पहला स्टेप हम शुरू करते हैं यहां से, क्योंकि सारा कनेक्शन इसके पंप इंजेक्टर और स्टार्टिंग का लेकर कंप्लीट यहां है। चलिए टेस्टिंग प्रोसेस शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ये जो मैं तरीका बताऊंगा, चाहे कोई भी स्कूटर हो BS6 सेगमेंट का, स्टेप बाय स्टेप आप प्रॉब्लम तक इजीली पहुंच सकते हैं और उसका सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। चलिए सबसे पहले बैटरी की वोल्टेज को टेस्टिंग करते हैं। जब भी पंप ना चले तो उस कंडीशन में इसके बैटरी के वोल्टेज को हमें मापना होता है, और उसके लिए इसके मल्टीमीटर को हम 20 वोल्ट पे लगाएंगे और ये चीज पता करेंगे कि हमारी गाड़ी की बैटरी कितना चार्ज है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, इसके नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव पे और पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव पे टच करेंगे, एक यहां पे और दूसरा जस्ट इसके अपोजिट। तो ये देखें 12 वोल्ट शो कर रहा है, सॉरी ये जो ब्लैक टर्मिनल है ये इसके कॉमन में जाएगा और ये जो ऊपर है ये रेड वाला यहां जाएगा, ये जो ब्लैक है ये कॉमन में, इसलिए माइनस शो कर रहा था इसके मीटर में। ये देखिए अब माइनस शो नहीं करेगा जब इसके अंदर हम प्रोब को टच करेंगे, ये देखिए माइनस शो नहीं किया और 12 वोल्ट प्लस बता रहा, यानी बैटरी हमारी पूरी तरह से चार्ज है। नेक्स्ट स्टेप इसका फ्यूज बॉक्स। अब फ्यूज में हमारा कौन सा किसके लिए फ्यूज है वो पहले समझना पड़ेगा। तो फ्यूल पंप के रिलेटेड आपने देखा, बैटरी के बाद आपको जो चेक करना है सबसे पहले 20 नंबर यानी 20 एम्पेयर का जो फ्यूज होता है इसको चेक करना है कि ये सही है या खराब। ये एकदम परफेक्ट आपको दिख रहा होगा, यानी ये सही है। अब इसे यहां पे असेंबल कर देना है इस वाले फ्यूज बॉक्स वाले एरिए में। उसके बाद आपको जो चेक करना है, क्योंकि FI यानी फ्यूल इंजेक्शन के लिए एक फ्यूज दिया हुआ है जो सबसे एंड में यहां पे है, तो पहला आपको 20 एम्पेयर, दूसरा 7.5 एम्पेयर, तो ये फ्यूज आपको चेक करना है। पहला बैटरी, दूसरा 20 एम्पेयर, तीसरा इसके 7.5 एम्पेयर।
ये आप यहाँ पे इसको देख लिए। तीसरे स्टेप में जो आपको चेक करना है, यहाँ पे देखें दो रिले है, एक है मेन रिले और दूसरा है इसका फ्यूल पंप रिले और साथ ही साथ सेल्फ रिले। चलिए इसे हम ओपन करते हैं और आपको इसकी टेस्टिंग बताते हैं कि कैसे चेक करना चाहिए, क्योंकि समझने की कोशिश करें, ये जो व्हाइट कलर का रिले है ये जब खराब हो जाता है तो हमारी गाड़ी के ECM में 12 वोल्ट की जो सप्लाई है वो नहीं जा पाता है और उस कंडीशन में हमारी गाड़ी का पंप नहीं चलता है। क्योंकि आपको पता होगा जो 3-phase पंप होता है उसको वर्क करने के लिए ECM से डायरेक्ट 2.5 वोल्ट का करंट जाता है। चलिए इसे ओपन करते और इसकी टेस्टिंग करते हैं। ये मैंने इसके रिले को ओपन कर लिया है, इसका पार्ट नंबर इसके बैक साइड पे लिखा होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि रिले को हम समझेंगे कैसे और इसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे। तो देखें दो यहाँ पे तांबे का प्रोब बना हुआ है, तो ऑब्वियसली ये जो है आउटपुट है और ये जो दो स्टील का प्रोब बना हुआ है ये इसका इनपुट है। अब इस चीज को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मल्टीमीटर को हम कहाँ पे सेट करें, कितने ओम पे सेट करें। तो देखिए ये मल्टीमीटर है, अभी मैंने इसका वोल्टेज जब टेस्टिंग किया तो इस वोल्टेज वाले सेक्शन पे लगाया, और अभी इसके जो है हम रीडिंग चेक करेंगे तो इससे हम ओम के जो बेसिस साइन बने होते हैं उस पे लगाएंगे। तो इस जो रिले को चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर को 200 ओम पे रखेंगे, कहां पे 200 ओम पे। अब इसका कितना रीडिंग होना चाहिए, इसका जो है 150 से रीडिंग नीचे होना चाहिए, 155 तक इसका जो है अगर जाता है तो बेटर है, उससे अगर ज्यादा जाता है तो ये खराब है आपका। चलिए इसको हम टेस्टिंग के लिए मल्टीमीटर को एक जगह पे होल्ड कर देते हैं ताकि आपको सटीक रीडिंग में शेयर कर सकूं। अब ये पिन 1 है इसका एक रेड प्रोब और ये इसका पिन 2 है ब्लैक प्रोब। कैसे टच करना है, ये जो ब्लैक प्रोब है इसके इस स्टील वाले में लगाना है और दूसरा जो रेड प्रोब है इसके इस राइट हैंड साइड में लगाना है और रीडिंग आपको देखने को मिलेगा। ये आपको मल्टीमीटर में रीडिंग क्या दिख रहा है, 149 यानी जो है 149 है। तो मैंने बताया कि अगर हार्डली साडली 155 तक जाएगा, 155 तक, तो ये सही माना जाता है। तो देखें किस तरह से मैं फ्यूल पंप के रिलेटेड और इसके इंजेक्टर के रिलेटेड टेस्टिंग कर रहा हूँ, यही सेम मेथड आपको यूज करना है। पहले स्टेप में बैटरी, दूसरे में 20 एम्पेयर, तीसरे में इसका 7.5 एम्पेयर का फ्यूज, चौथे में इसका रिले। अब यहां से हम डायरेक्ट जाएंगे इसके ECM के पास कि ECM के पास इनपुट वोल्टेज कौन से वायर में जा रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि ECM के पास वोल्टेज नहीं गया तो पंप गाड़ी का नहीं चलेगा। इसको मैंने टेस्ट कर लिया, ये सही है। चलिए इसे हम असेंबल कर देते हैं। तो इसका इस फ्यूज बॉक्स वाले एरिया में इसे मैं लगा देता हूं जहां से मैंने इसको ओपन किया है। ये देखिए मैंने इसको पूरी तरह से असेंबल कर दिया। चलिए ECM के पास ले चलते हैं। तो अगर ध्यान से देखें तो ये इस गाड़ी का ECM है और इधर से ये भाग इसका ACG स्टार्टर है और करंट रिलेटेड बैटरी चार्जिंग के रिलेटेड काम करता है। तो अभी हम इसके राइट हैंड साइड को नहीं चेक करेंगे, इसके लेफ्ट हैंड साइड को चेक करेंगे। तो ये जो वायरिंग कनेक्शन है ये इसके फ्यूल पंप के लिए काम करेगा। ऑब्वियसली अभी जो हम बात कर रहे हैं इसके फ्यूल पंप के रिलेटेड ही बात करेंगे। तो इतने सारे वायर में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमारा जो है बैटरी और फ्यूज बॉक्स और रिले के थ्रू इसमें 12 वोल्ट का करंट आ कहां से रहा है, तो उसके लिए फिर से हम वायरिंग डायग्राम का हेल्प लेंगे। तो समझने की कोशिश करेंगे आप मैकेनिक भाई वायरिंग डायग्राम को कि मैं बताना क्या चाहता हूं। तो उधर से जो वायर में करंट आएगा 12 वोल्ट का वो 1, 2, 3 कपलर नंबर जो ये 3 है रेड प्लस व्हाइट कलर का, इसमें हमारा 12 वोल्ट का करंट आएगा। कहां से आएगा, यहां पे देखें 7.5 एम्पेयर के फ्यूज के थ्रू आएगा और यहां से दो वायर निकलता है, एक तो जा रहा है हमारा ECM के पास 12 वोल्ट की सप्लाई और दूसरा यहां से जो वायर कट रहा है वो जा रहा है इसके DLC यानी डेटा लिंक कनेक्टर के पास जो यहां पे लगा हुआ है। ये देखें ये है इस गाड़ी का DLC, यहीं से हम लोग OBD लगाते हैं और इस वाले वायर में डायरेक्ट 12 वोल्ट की सप्लाई आती है। समझ में आ गया आपको क्लियरली कि रेड प्लस व्हाइट वाला जो वायर है उसके अंदर आ रहा है 12 वोल्ट, कहां से आ रहा है, इसके बैटरी से आ रहा है। चलिए चेक करते हैं इसके इनपुट वोल्टेज को। चेक करने के लिए इसके ECM के कपलर को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली समझा दिया जा सके। अब देखें यहाँ पे जो वायरिंग डायग्राम, जैसा कि मैंने बताया कि एक जरा सा भी रॉन्ग हो ही नहीं सकता, तो वहां पे बताया तीसरे नंबर में, तो यहाँ पे भी क्या है फर्स्ट सेकेंड थर्ड यानी तीसरे नंबर में हमें 12 वोल्ट की सप्लाई को चेक करना है। फिर से इनपुट वोल्टेज चेक करने के लिए इसे हम 20 वोल्ट पे लगा चुके हैं और ये जो रेड वाला प्रोब है उसको हम 3 नंबर पिन पे डालेंगे। देखिए शार्प नेडल है, काफी इजीली जो है ये इनपुट वोल्टेज को माप लेता है। इसको 1, 2, 3
तीसरे नंबर पिन पे इजीली लगा देंगे, काफी ज्यादा इसके अंदर प्रेशर या फोर्स नहीं डालना है ताकि ये पिन खराब ना हो। अब इसका जो ग्राउंड है, जो नेगेटिव टर्मिनल, उसको हम बॉडी से टच करेंगे। जैसे इसके ग्राउंड को हम कहीं से डालेंगे तो फिर भी यहाँ पे कोई भी रीडिंग नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि हमारा ये इन लाइन जो है वेट करेगा कि कब आप इग्निशन को ऑन करते हैं। अभी से हम यहाँ पे अभी ग्राउंड प्रोवाइड किया, अब इसके इग्निशन को ऑन करते हैं। अब आपको जो है इसके अंदर वोल्टेज आना शुरू देखने को मिल जाएगा। इससे हम सही से ग्राउंड अटैचमेंट करते हैं। इलाज बोलिए, ये देखिए आपको यहाँ पे कितना 12 वोल्ट का इनपुट सप्लाई देखने को मिलेगा। किस पे? तीसरे नंबर पिन पे। यानी ईसीएम का इनपुट वोल्टेज जब आप चेक करते हैं तो तीसरे नंबर पिन पे 12 यानी 12 वोल्ट का सप्लाई देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम वोल्टेज इसका जो चेक कर लिया, अब इसके ईसीएम के पिन को लगाते हैं और इसके चले जाते हैं फ्यूल पंप के पास और वहां पे दिखाते हैं कैसे चेक करना है। अब आ गए इसके पंप के पास। तो ये इसका पंप का कपलर है। मैंने क्या बताया कि 3 फेस है और तीनों की कलर कोड की बात किया जाए तो ब्राउन प्लस व्हाइट कलर, ब्राउन प्लस ब्लू कलर और ब्राउन प्लस रेड कलर, 3 कलर के वायर हैं। कितना वोल्ट का करंट आएगा? तीनों में 2.5 वोल्ट का करंट आएगा, 2.50 वोल्ट। चलिए अब वोल्टेज की टेस्टिंग करते हैं। कैसे चेक करना है? कुछ समय के लिए आएगा जब आप इग्निशन को ऑन करेंगे, तो मल्टीमीटर को आपको फोकस करके दिखाएंगे। तो ऐसा आपको नहीं समझना है कि इसमें आपको कोई ग्राउंड है, क्योंकि 3 फेस से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। सबसे पहले हम पिन 1 यानी इसके ब्राउन प्लस व्हाइट वाले वायर पे एक यहाँ पे रेड वाला प्रोब अटैच करेंगे और दूसरा इसके ग्राउंड में टच करेंगे और जैसे इग्निशन ऑन करेंगे तो वहां पे आपको वोल्टेज दिखेगा। चलिए ऑन करते हैं। ये प्रोब प्रॉपर तरीके से फिक्स नहीं हुआ है। चलिए इसे फिर से लगा के और इसको हम ग्राउंड अच्छे से देते हैं और इग्निशन को ऑन करते हैं। ऑफ करके ऑन करो, ये देखिए कितना वोल्ट दिखा। मैक्सिमम जो है ज्यादा से ज्यादा 3 वोल्ट तक जाएगा। तो फर्स्ट वाले वायर में वोल्टेज आपको क्लियर दिखा, फिर से वही मेथड आपको जो है इसके सेकेंड वाले वायर में दिखाना है कि इसके जो अंदर आ रहा है कि नहीं वोल्टेज। चलो ऑफ करके फिर से ऑन करो, ये देखिए इसमें भी हमारा जो है 2.5 वोल्ट प्लस करंट है और इसके जस्ट यहाँ पे जो भी एक तीसरा पिन है इसमें भी आपको चेक करना है, क्योंकि 3 फेस में तीनों वायर में आपको वोल्टेज चेक करना है। चलिए फिर से इग्निशन ऑफ करके फिर से ऑन करके चेक करते हैं। स्टेप देखें आप, ये देखिए इसके अंदर यानी इसके अंदर जो सप्लाई है तीनों वायर में एकदम परफेक्ट आ रहा है। उसके बाद यहां से हमें चले जाना है इसके इंजेक्टर के पास। अब इंजेक्टर, ये इसका कपलर है, इसके अंदर 2 वायर होते हैं। एक वायर होता है इसका सिग्नल का, दूसरा इसका वोल्टेज का। जैसे इस वाले प्रोब को यहां से निकालेंगे तो सबसे पहले इसके ब्लैक वाले टर्मिनल में डायरेक्टली 12 वोल्ट का जो है करंट आना चाहिए। सॉरी मैंने ब्लैक कह दिया, ब्लैक प्लस व्हाइट, क्योंकि ब्लैक जो है ज्यादातर ब्लैक वाले वायर में 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं आती है। अब जैसे इसके यहाँ पे आपको दिखा दें कि जैसे इसके इस ब्लैक और व्हाइट वाले टर्मिनल में ऐड किए, अब यहां पे इसको ग्राउंड देंगे और इग्निशन को ऑन करेंगे। अब वहां पे आपको दिख रहा होगा मल्टीमीटर पे, फोकस बना के दिखा दो, ये देखिए 12 वोल्ट का सप्लाई दिख रहा है यहां। कितना वोल्टेज दिख रहा है? 12 वोल्ट का, यानी इंजेक्टर को वर्क करने के लिए इनपुट वोल्टेज कितना आएगा? 12 वोल्ट का। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे ये होता है कि मैंने सारे चीजों को टेस्टिंग कर लिया, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देख लेना है कि यहां पे अगर देखें इसके इंजेक्टर में एक जो वायर होता है वो होता है इसका सिग्नल का। चलिए इसके टेपिंग को हम रिमूव करके आपको क्लियरली समझाते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि कौन सा इसका सिग्नल का वायर है और किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए सिग्नल का वायर जो है वो है पिंक प्लस ब्लू कलर का। यहां पे देखें ये है पिंक प्लस ब्लू कलर। तो इस पिंक प्लस ब्लू कलर के जो वायर हैं उसको हम कहां से चेक करेंगे? यहां पे मल्टीमीटर पे देखें। ये मल्टीमीटर पे हम जो प्रोब टच करेंगे इस जगह पे लगाएंगे, इसका कॉन्टिन्यूटी मोड पे, या फिर एक सटीक मेथड बता देते हैं, क्यों ना आपको हम टेस्टिंग लैंप का मदद से बताएं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहां पे एक वायर जो इसके पिंक प्लस ब्लू वाले वायर में लेंगे और दूसरा वायर इसके ईसीएम में। तो बीप बजना चाहिए जब पता चलेगा कि यहां से ईसीएम तक हमारा वायर सही है। अगर बीप नहीं बजता है तो वायर कटा है। अब इसकी टेस्टिंग के लिए मल्टीमीटर के यहाँ पे बीप मोड पे सेट किए हैं। अब ईसीएम के पास ले आइए, दिखाइए कौन से वायर पे चेक करना है। तो देखें 6 पिन जो है यहाँ पे 6 नंबर पिन पे,
तो उस पे आपको एक प्रोब लेना है। यहाँ पे इस देखिए सिक्स नंबर पे क्या है, पिंक प्लस ब्लू कलर, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 पे एक प्रोब ले लिए और दूसरा इसके इंजेक्टर साइड लेंगे हम। तो यहाँ पे इंजेक्टर के पास आपको दिखा दें, यहाँ पे देखें ये है इसका पिंक प्लस ब्लू कलर और यहाँ पे एक वायर लेंगे। अब इसके अंदर जो है बीप बजना शुरू होना चाहिए, इसके अंदर जो है बीप बजेगा ही बजेगा। ये देखिए नजदीक ले आओ पूरा, आप साउंड क्लियरली सुन पा रहे होंगे इसका कंटिन्यूटी जो है। तो छठे नंबर पिन पे आपने देखा कि बीप बजा, एक और स्टेप आपको बता देते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे एक वायर का टुकड़ा लेंगे। कहीं भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, कोई भी शॉर्ट सर्किट का चांसेस है ही नहीं। अब एक वायर का टुकड़ा इसके इंजेक्टर के सिग्नल वाले वायर पे ले लेंगे। अब देखें इसके सिग्नल में से मैंने एक वायर यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे अगर एंड में ईसीएम में दिखाएं तो यहाँ पे भी मैंने एक वायर ले लिया। चेक क्या करेंगे, कंटिन्यूटी टेस्टर, अगर लाइट जला वायर सही है, लाइट नहीं जला वायर खराब है। ये देखिए यहाँ पे एक मैंने वायर का टुकड़ा अटैच कर दिया और दूसरा यहाँ पे ले आइए, ये देखिए ईसीएम के पास मैंने एक वायर का टुकड़ा ले लिया। अब देखिए बीच में से ये लाइट जल रहा है, नजदीक लेकर आओ दिखा दीजिए, यहाँ पे देखिए ये जल रहा है, तो पता ये चला कि बीच में से जो वायर कहीं से कटा नहीं है क्योंकि ये बीप यहाँ पे जो है बजा और दूसरे में लाइट भी जला। अब चलिए इसके प्रेशर के बारे में बात करते हैं, क्या प्रेशर होना चाहिए, कितना छिड़काव होना चाहिए। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है बट आपको इन्फॉर्मेशन एकदम एक्यूरेट बताते हैं ताकि एक टॉपिक के ऊपर दूसरे बार आप कमेंट ना करें और क्लियरली आपको इसके बारे में समझ में आ जाए कि कैसे कैसे क्या चीज काम करता है, कैसे क्या चीज वर्क करता है। क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो हम लाएंगे इसके करंट का लाएंगे ना कि फ्यूल का। चलिए इसे हम ओपन कर लेते हैं और इसको लगाने के बाद आपको फ्यूल चेक कराते हैं। अब ये इसका इंजेक्टर है, ये इसका इंजेक्टर का पाइपलाइन है। सबसे पहले इसके प्रेशर को चेक करेंगे कि फ्यूल को कैसे चेक किया जाता है। इस तरह से यहाँ पे एक इसका लॉक होता है जिसको काफी इजीली एक शार्प हेड नीडल जो स्क्रू ड्राइवर होता है उसके मदद से भी आप इसे इजीली निकाल सकते हैं। ये निकल चुका है, अब इसके पाइपलाइन को हम ओपन करेंगे तो उसके लिए दो और एक्स्ट्रा लॉक्स होता है, इसको भी आप ओपन करें। काफी मैकेनिक भाई यहाँ पे गलती कर देते हैं और उनका इंजेक्टर टूट जाता है। तो एक यहाँ पे लॉक और इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे लॉक, ये दोनों लॉक को एक साथ इस तरह से साइड करना है और इसको पाइप को बाहर की ओर धकेलना है तो ये काफी इजीली जो है निकल जाएगा। कुछ इस प्रकार से निकल गया। सबसे पहले स्टेप में आपको यहाँ पे जो है आप कुछ ऐड कर सकते हैं, मैं नॉर्मल सिर्फ चेक करूंगा फ्यूल, तो आपको इग्निशन ऑन करके सिर्फ हाथ ही मैं चेक करवा देता हूँ। तो चलिए इसको हम चेक करते हैं इग्निशन ऑन करके। ये देखिए प्रेशर, देखिए कितना प्रेशर के साथ फ्यूल आ रहा है। एक बार आपको माफ कीजिएगा, इंजन कंपार्टमेंट है बट गाड़ी काफी समय से बंद पड़ी हुई है, कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं, आग लगने का कोई चांसेस नहीं, प्लीज हेट कमेंट मत कीजिएगा। तो एक बार आपको फिर से इग्निशन ऑन करके दिखा देते हैं कि कितना प्रेशर इसके अंदर है। ये देखिए ये आपने देख लिया। अब इसके इंजेक्टर को यहां से हम लगा देंगे और उसके बाद ये चीज चेक करेंगे कि क्या इंजेक्टर ब्लॉक तो नहीं है और साथ ही साथ इंजेक्टर जो छिड़काव देना चाहिए वो दे रहा है कि नहीं। जब टेस्टिंग करते हुए यहां तक आप आते हैं तो इसके बीच में आपको फॉल्ट मिल जाना चाहिए। अगर फॉल्ट नहीं मिलता है जब आप इसके इंजेक्टर को ओपन कर सकते हैं। इंजेक्टर को ओपन करने के लिए 2 10 mm के बोल्ट को हम ओपन करेंगे यहाँ से, उसके बाद इसके इंजेक्टर के ब्लॉकनेस को चेक करेंगे कि कहीं इसके अंदर डस्ट पार्टिकल तो नहीं है या फिर जो है इसके अंदर रस्ट का परत तो नहीं बन गया जिसके वजह से हमारी गाड़ी जो है इंजेक्टर छिड़काव नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए यहाँ से जो हम इससे 2 बोल्ट को रिमूव करेंगे और किक या सेल्फ का हल्के हाथों से उपयोग करेंगे और उसके बाद छिड़काव। ये देखें 2 तरह से बोल्ट होता है, इसके बारे में पहले बता चुके हैं, इन सारी चीजों के बारे में बताना हम अच्छी बात नहीं समझेंगे। चलिए इसके इंजेक्टर को हम ओपन कर लेते हैं। तो देखें ये इसका इंजेक्टर है और यहाँ पे इसका एक रबर रह गया है, ये आप खासा ध्यान रखें। इन सारे रबर को अगर आप मिस करते हैं तो मिसिंग का प्रॉब्लम, क्योंकि ईयर लेगी यहाँ से तो मिसिंग का प्रॉब्लम ऑब्वियसली होगा ही होगा। अब क्या करेंगे, इग्निशन ऑन करेंगे और इसको काफी टाइट हाथों से पकड़ के रखेंगे। कैमरा वो पीछे ले यार। उसके बाद क्या है, इसके टाइट हाथों से पकड़ना है इसलिए क्योंकि प्रेशर के साथ जब फ्यूल ऑन होगा तो क्या होगा कि ये पाइप से निकल सकता है इंजेक्टर। अब क्या करेंगे, आपको हाथ के ऊपर यहां ध्यान देना है कि जैसे सेल्फ का उपयोग करेंगे तो काफी प्रेशर के साथ यहाँ पे फ्यूल का छिड़काव होना चाहिए। इग्निशन को ऑन करते हैं और साथ ही साथ सेल्फ का भी उपयोग करते हैं। ये देखिए
बस छोड़ दीजिए। तो ये आपने स्टेप देखा कि किस तरह से, इसके बीच में बहुत और सारे मेथड है, जैसे आपके पास अगर फ्यूल प्रेशर गेज है तो उसके मदद से आप जो इसके फ्यूल प्रेशर को माप सकते हैं कि 125 या 315 तक जो है केपीए, क्योंकि होंडा में केपीए होता है और हीरो में पीएसआई, तो 38 से 40 पीएसआई का प्रेशर जनरेट कर रहा है कि नहीं, तो वो सारे अलग मेथड हैं, उनके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से फ्यूल के रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा। कोई भी आपके माइंड में अगर कंफ्यूजन है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, उसके ऊपर जरूर से जरूर वीडियो लाएंगे और आप सभी मैकेनिक भाइयों को BS6 की सारे नॉलेज शेयर करेंगे और इन्फॉर्मेशन बताते चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो आएगी इसके करंट का, अगर आप कमेंट करते हैं, जिसमें आपको सिखाएंगे इसका CKP यानी क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर को कैसे चेक किया जाता है, ECM को कैसे चेक किया जाता है, मैग्नेट कॉइल और सारे चीजों को कैसे चेक करना है करंट के रिलेटेड, वो वीडियो आप मिस मत कीजिएगा, बहुत ही जल्द आएगी।